वेलकम टू Xamarin फॉर्म ट्यूटोरियल्स। इस ट्यूटोरियल पे हम लोग सीखेंगे कैसे Xamarin फॉर्म के अंदर हम लोग कैमरा को इस्तेमाल कर सकते हैं। कैमरा को यूज़ करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक प्लगइन्स का इस्तेमाल करेंगे। इसको यूज़ करके हम लोग Xamarin फॉर्म के अंदर कैमरा से कैप्चर भी कर सकते हैं, हम लोग गैलरी से फोटो को पिक कर सकते हैं, वीडियो कैप्चर कर सकते हैं एंड वीडियो को गैलरी से हम लोग पिक कर सकते हैं। तो इस ट्यूटोरियल पे मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कैसे Xamarin फॉर्म के अंदर हम लोग कैमरा से हम लोग कैप्चर कर सकते हैं। तो पहले हम लोग जो मीडिया प्लगइन है उसको हम लोग इंस्टॉल करेंगे। तो इसके लिए मेरा जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन पे जाऊंगा, मैनेज न्यूक्विट पैकेज फॉर सॉल्यूशन, और यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे same.plugin.media, और ये जो मीडिया प्लगइन है इसको हम लोग इंस्टॉल कर लेंगे हम लोगों का जितना भी प्रोजेक्ट है उसके अंदर। प्लगइन इंस्टॉल हो गया है, अब हम लोग कोड को चालू करेंगे। तो मेरा जो मेन पेज का Xamarin पेज है इसके अंदर हम लोग जाएंगे। इसके अंदर मैं एक बटन को क्रिएट करूंगा, बटन का टेक्स्ट मैं यहाँ पे दे दूंगा कैप्चर, एंड यहाँ पे एक क्लिक इवेंट मैं क्रिएट कर दूंगा। यहाँ पे मैं एक क्लिक इवेंट को क्रिएट कर दिया हूँ और नीचे में एक इमेज को इंसर्ट करूंगा। जो इमेज है इसका सोर्स मैं कुछ भी नहीं दूंगा और यहाँ पे इमेज का एक नेम दे देता हूँ माई इमेज, और इसका हाइट रिक्वेस्ट 300 एंड विड्थ रिक्वेस्ट 300। बेसिकली ये जो इमेज है इसके अंदर हम लोग इमेज को शो करेंगे जब हम लोग बटन पे क्लिक करेंगे। बटन पे क्लिक करने के बाद मोबाइल का जो कैमरा है ये स्टार्ट हो जाएगा। जब हम लोग कैप्चर करेंगे, कैप्चर करने के बाद ये जो नीचे में जो इमेज का व्यू मैं यहाँ पे क्रिएट किया हूँ इसके अंदर हम लोग इमेज का व्यू को हम लोग शो करेंगे। तो इसके लिए मेरा जो CS पेज है यहाँ पे मैं जाऊँगा और यहाँ पे जो बटन क्लिक इवेंट है इसके अंदर मैं कोड लिखूँगा क्रॉस मीडिया, और ये जो क्रॉस मीडिया है इसको हम लोग नेमस्पेस को ऐड करेंगे यूजिंग मीडिया प्लगइन। उसके बाद डॉट करेंट डॉट इनिशियलाइज, पहले हम लोग जो क्रॉस मीडिया है उसको हम लोग इनिशियलाइज कर देंगे, और ये जो लाइन है इसको मैं अवेट कर देता हूँ। अवेट कर देने के बाद जो फंक्शन है फंक्शन को एसिंक होना ज़रूरी है। इसके बाद एक कंडीशन लगाएंगे क्रॉस मीडिया डॉट करेंट डॉट स्पीक फोटो टेक फोटो सपोर्टेड। अगर फोटो सपोर्ट नहीं करेगा एंड क्रॉस मीडिया डॉट करेंट डॉट इज फोटो पिक सपोर्टेड, अगर ये दोनों सपोर्ट नहीं करेगा तब हम लोग क्या करेंगे, एक डिस्प्ले अलर्ट शो करेंगे। डिस्प्ले अलर्ट के अंदर एक मैसेज शो कर दूंगा फोटो कैप्चर एंड पिक नॉट सपोर्टेड। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें बाकी कोड लिखेंगे। अगर फोन के अंदर फोटो सपोर्ट नहीं करेगा एंड पिक फोटो सपोर्ट नहीं करेगा, जब हम लोग गैलरी से फोटो को पिक करेंगे वो अगर सपोर्ट नहीं करेगा तब ये डिस्प्ले अलर्ट शो करेगा, उसके बाद हम लोग रिटर्न कर देंगे। अगर सपोर्ट करेगा तब हम लोग यहाँ पे कोड लिखेंगे। जब सपोर्ट करेगा तब हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे, उसके बाद उसी फोटो को हम लोग जो इमेज व्यूअर को लिया था उसके अंदर हम लोग शो करेंगे। एक वेरिएबल क्रिएट करूँगा फाइल इक्वल्स टू क्रॉस मीडिया, इससे पहले मैं एक एवेट कीवर्ड को जोड़ देता हूँ, डॉट करेंट डॉट टेक फोटो एसिंक। इसके बाद
न्यू स्टोर कैमरा मीडिया ऑप्शन, इसको हम लोग नेम स्पेस को ऐड कर देंगे यूजिंग प्लगइन मीडिया एब्स्ट्रैक्शन। एंड उसके बाद इसके अंदर हम लोग कोड लिखेंगे, इसमें हम लोग डायरेक्टरी प्रोवाइड करेंगे, जो डायरेक्टरी रहेगा इमेजेस, इमेजेस नाम का एक फोल्डर के अंदर फोटो सेव होगा। एंड नेम क्या रहेगा, नेम, नेम के लिए हम लोग क्या करेंगे, डेट टाइम डॉट नाउ करेंगे प्लस एक हम लोग स्ट्रिंग को जोड़ देंगे टेस्ट डॉट जेपीजी। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगर फाइल के अंदर इफ फाइल इक्वल्स टू नल, अगर फाइल नल रहेगा तब क्या होगा, रिटर्न कर देगा, अगर फाइल नल रहेगा तब रिटर्न करेगा, अदरवाइज क्या करेंगे हम लोग एक डिस्प्ले अलर्ट को शो करेंगे, डिस्प्ले अलर्ट के अंदर हम लोग फाइल का जो डायरेक्टरी है उसको हम लोग शो करेंगे, फाइल पैथ को शो करेंगे। सो यहाँ पे हम लोग देंगे फाइल डॉट पैथ, उसके बाद हम लोग एक ओके बटन दे देते हैं। इसको देने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोगों का इमेज व्यू था इसका, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, माई इमेज डॉट सोर्स इक्वल्स टू इमेज सोर्स डॉट फ्रॉम स्ट्रीम, और इसमें हम लोग एक लैम्डा एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करें। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग जो सोर्स है सोर्स को प्रोवाइड करेंगे, वेरिएबल स्ट्रीम इक्वल्स टू फाइल डॉट गेट स्ट्रीम। ये जो फाइल है फाइल के अंदर जो स्ट्रीम है फोटो स्टोर हो जाएगा। उसके बाद रिटर्न स्ट्रीम, स्ट्रीम को हम लोग रिटर्न कर देंगे। कोड रेडी हो गया है, अब हम लोग क्या करेंगे, एंड्रॉयड का कुछ परमिशन को अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए एंड्रॉयड प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे, उसके बाद एंड्रॉयड मैनिफेस्ट, इसके अंदर हम लोग कैमरा नाम का जो परमिशन है इसको एक्सेस करेंगे एंड रीड एक्सटर्नल स्टोरेज, रीड इनपुट स्टेट एंड राइट एक्सटर्नल स्टोरेज, तो इसको सेव कर दूंगा। सेव कर देने के बाद ये जो कोड है आप इसको रन करूंगा, एप्लीकेशन रन कर गया है, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, जो मेरा फ़ोन है फ़ोन के अंदर ये एप्लीकेशन को मैं रन किया हूँ। जब आप लोग देख पाएंगे मैं कैप्चर पे क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद मेरा जो फ़ोन का कैमरा है, कैमरा यहाँ पे ओपन हो गया है, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, मेरा जो सिस्टम है सिस्टम आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। मैं यहाँ पे कैमरा पे क्लिक करूँगा, इसमें मैं क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद आप लोग देख पाएंगे ये फ़ोटो कैप्चर हो गया है। कैप्चर होने के बाद मैं जब ओके बटन पर क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद आप लोग देख पाएंगे ये जो पिक्चर है, पिक्चर का जो पैथ है पैथ यहाँ पे दिखा देगा। इसको ओके करने के बाद आप लोग देख पाएंगे जो मेरा इमेज व्यू था उसके अंदर मैं इमेज को शो कर दिया हूँ। ठीक है, तो ये जो मीडिया प्लगइन है इसको यूज़ करके हम लोग चारों काम कर सकते हैं, पर इस ट्यूटोरियल पे मैं आप लोगों को दिखाया कैसे कैप्चर किया जाता है। अगर आप लोगों को इसी प्लगइन को यूज़ करने के बाद भी अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा, कैमरा को अगर रन नहीं करेगा, तब आप लोग क्या करेंगे, आप लोगों का जो सॉल्यूशन है सॉल्यूशन को क्लीन करेंगे, क्लीन करने के बाद हो सकता है अगर उसके बाद भी रन नहीं करेगा तब आप लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन का जो फाइल एक्सप्लोरर है उसमें जाएंगे, जाने के बाद आप लोगों का जो प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट के अंदर आप लोग क्या करेंगे, जो एंड्रॉयड प्रोजेक्ट है इसके अंदर जो बीन एंड ओबीजे नाम का जो फाइल है दोनों फोल्डर को आप लोग डिलीट कर देंगे। उसके बाद जो सॉल्यूशन है उसको क्लीन करेंगे, फिर से रिबिल्ड कीजिए, देखिए आप लोगों का जो
कैमरा है ये ओपन हो जाएगा, उसके बाद आप लोग कैप्चर कर सकते हैं। तो आज का इस ट्यूटोरियल पे सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे।